व्हाट इज अप एवरीवन, स्वागत है आप लोग का वापस से एक और नई प्रॉब्लम में। और इस प्रॉब्लम में हम लोग जो है मल्टीप्लेयर गेम बनाने वाले हैं। तो यार एक्साइटमेंट लेवल को थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लो अपने। और यहाँ पर मल्टीप्लेयर गेम हम बहुत सिंपल सा बनाएंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, अपनी एक नई प्रैक्टिस प्रॉब्लम की शीट खोल लूँगा। और यहाँ पर ये है हमारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6। जो 5 है उसको क्लोज़ कर देते हैं, और 5 को यहाँ पर मैंने शायद गलत प्रॉब्लम को क्लोज़ कर दिया, तो मैं इसको कैंसिल करूँगा अभी यहाँ पर। और 5 को मैं क्लोज़ कर दूँगा, और 5 को क्लोज़ करने के बाद मैं सेव भी कर दूँगा यार। और इसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा क्या, इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 का नाम लिख दूँगा। सो यार यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर लिख दूँगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6, और उसी के साथ साथ इस प्रॉब्लम का टाइटल लिख दूँगा जो कि है गैस द नंबर। तो इस प्रॉब्लम का टाइटल यहाँ पर मैंने गैस द नंबर रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं प्रॉब्लम का स्टेटमेंट लिखता हूँ, यू एंड योर फ्रेंड हैव टू गैस अ नंबर। ठीक है, आप दोनों को एक नंबर गैस करना है बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी आर इनपुट्स टेकन फ्रॉम द यूज़र। तो आप ए और बी इनपुट लोगे सबसे पहले, तो इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ पर ए और बी को आप इनपुट लोगे यूज़र से सबसे पहले। और एक बार आप ए और बी इनपुट ले लोगे यूज़र से, उसके बाद क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले प्लेयर वन का टर्न आएगा। ए एंड बी आर इनपुट टेकन फ्रॉम द यूज़र, योर फ्रेंड इज प्लेयर वन एंड प्लेस फर्स्ट। ठीक है, He will have to keep choosing the number and your program must tell whether the number is greater than greater। जो नंबर है आपका वो उसको बताना होगा आपके प्रोग्राम को। क्या बताना होगा, जैसे मान लो 3 और 6 बताया उसने, ठीक है, और नंबर है एक्चुअली 5। तो आपके प्रोग्राम को बताना होगा जो यूज़र ने नंबर डाला है वो ग्रेटर देन एक्चुअल नंबर है या फिर लेस देन, वेदर नंबर इज ग्रेटर देन द एक्चुअल नंबर और लेस देन द एक्चुअल नंबर। तो मैं एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ लेता हूँ, उसको मैं फिर उसके बाद उस हिसाब से चेंज कर दूंगा। तो ये कह रहा है यू एंड योर फ्रेंड हैव टू गैस अ नंबर बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इससे पहले एक और लाइन लिखूंगा, हैव टू गैस अ नंबर बिटवीन, जनरेट अ रैंडम नंबर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, रैंडम इंटीजर है ये बात याद रखना आप लोग, रैंडम इंटीजर फ्रॉम ए टू बी। एक बार आपने रैंडम नंबर जनरेट कर लिया, उसके बाद आप और आपका जो फ्रेंड है वो गेस करेंगे ए और बी के बीच में कोई भी एक नंबर। ठीक है, फिर आपको बताना है कि जो आपके फ्रेंड ने खेला है या आपका जो नंबर आपके फ्रेंड ने दिया है इनपुट प्रोग्राम को, वो बड़ा है एक्चुअल नंबर से या फिर छोटा है। लॉग द नंबर ऑफ ट्रायल्स इट टुक योर फ्रेंड टू अराइव एट द नंबर। तो आपको आपको क्या करना है कि आपका जो दोस्त है उसको कितनी चांस लगी इस नंबर तक अराइव होने में, यानी कि इस नंबर तक पहुंचने में उसको कितनी चांस लगी, कितनी चांस में वो एक्चुअल नंबर गेस कर पाया, वो आप लोग को लिखना है। यू प्ले द सेम गेम एंड देन द पर्सन विद मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स विंस। ठीक है, तो जो भी इंसान कम से कम चांसेस में गेस करेगा नंबर को वो जीतेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी लिख दिया मैंने। इसके बाद मैं यहाँ पर आउटपुट में आ गया हूँ। आउटपुट में मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा प्लेयर वन चांस, प्लेयर वन प्लीज़ प्ले। ठीक है, प्लीज़ एंटर द प्लीज़ गेस द नंबर लिख देता हूँ। तो मान लो उसने 5 लिया, फिर मान लो उसने, अब देखो कुछ इस तरह रहेगा, प्लीज़ प्लेयर वन, और कुछ इस तरह आप लिखना, फिर लिखना प्लीज़ गेस द नंबर, जो भी आपकी ए की वैल्यू होगी, मान लो ए की वैल्यू 4 है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए की वैल्यू 4 है, और मान लो बी की वैल्यू 13 है। ठीक है, तो बिटवीन 4 एंड 13। ठीक है, तो मान लो एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल नंबर आप लोग को लेना है ठीक है,
तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हो रहा है। मान लो वो 6 है, ठीक है। प्लीज़ गैस द नंबर बिटवीन 4 एंड 13। रॉन्ग गैस अगेन, रॉन्ग गैस और ग्रेटर नंबर अगेन। तो मान लो आपने 8 किया इस बार गैस, रॉन्ग। फिर मान लो आपने 6 कर दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि करेक्ट। यू टुक 3 ट्रायल्स टू गेस द नंबर। तो 3 ट्रायल आपने लिए नंबर गैस करने के लिए। फिर सिमिलरली फिर उसी तरह आपको क्या करना है, प्लेयर 2 के लिए करना है, और यही चीज़ करना है आपको प्लेयर 2 के लिए। और फिर आप लोग को मान लो लिखना है कि प्लेयर 2 ने कितने ट्रायल लिए। मान लो प्लेयर 2 ने 60 ट्रायल लिए, तो यू विन, ठीक है। और प्लेयर 1 विन्स, प्लेयर 1 विन्स लिख देता हूँ, यू नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ, और इटैलिक करके बोल्ड हटा देता हूँ। तो रैंडमली जनरेट करना है आपको नंबर, और आपको वो शो नहीं करना है यूज़र को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बार पढ़ लेता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सब कुछ ठीक है कि नहीं। गैस जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन ए टू बी। यू एंड योर फ्रेंड हैव टू गैस अ नंबर बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ए एंड बी आर इनपुट्स टेकन फ्रॉम द यूज़र। योर फ्रेंड इज प्लेयर 1 एंड प्लेज फर्स्ट। ही विल हैव टू कीप choosing the number and you must tell whether the number is greater than the actual number, less than the actual number, ठीक है। तो उसके बाद log the number doesn't to be your friend to arrive at the same number, you play the same game and then the person with minimum number of trial wins, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ प्रॉब्लम समझ में आई होगी। सबसे पहले आप लोगों को लेना है ए इनपुट के तौर पे, उसके बाद आप लोगों को लेना है बी इनपुट के तौर पे। फिर प्लेयर 1 खेलेगा, प्लेयर 1 गैस करेगा ए और बी के बीच में एक नंबर, और इनपुट लेने से पहले आपने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, एक नंबर जो है गैस किया हुआ है, और वो आप ए और बी इनपुट करने के बाद ही गैस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रैंडमली जनरेट नंबर आफ्टर टेकिंग ए एंड बी एज इनपुट, ठीक है। एंड तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के लिए 6 माना है मैंने वो, तो उसके बाद मैंने आप लोग को यहाँ पर जो है आउटपुट बताया। तो मैं इसको जो बोल्ड है वो हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है बोल्ड। तो प्लेयर 1 खेल रहा है पहले, और उसके बाद यहाँ पर प्लेयर 1 के बाद यहाँ पर प्लेयर 2 खेल रहा है। इटैलिक अंडरलाइन कर देता हूँ, और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो टेंशन मत लेना आप लोग। तो यार जल्दी से नीचे चैलेंज एक्सेप्टेड लिख देना, और चैलेंज एक्सेप्टेड लिख के क्या होगा कि आप लोग कम से कम एक वो आ जाएगा कि हाँ यार मुझे करना है इसको सॉल्व। तो इस प्रॉब्लम के 10 पॉइंट्स हैं, और कुछ भी अगर आपने, हाँ रैंडम मॉड्यूल आप यूज़ कर सकते हो, कोई दूसरा मॉड्यूल आपने अगर यूज़ किया तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो अभी यार यहाँ पर मैं आप लोग को ये प्रॉब्लम दे रहा हूँ, और मैंने आप लोग को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी हैं, और जितने लोगों ने चैलेंज एक्सेप्टेड लिखा है और लाइक किया है वीडियो को, मैंने उन सबको शाउट आउट दिया। तो मैं इसलिए कहूँगा कि आप लोग नीचे चैलेंज एक्सेप्टेड लिख के इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मैं आप लोग को शाउट आउट दूँ इसके सॉल्यूशन वीडियो में। और यार जितने लोगों ने भी कमेंट किया सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर से देखना, क्योंकि उसमें मैं आप लोग को शाउट आउट देने वाला हूँ। सो यार मैं आशा करता हूँ पसंद आया हुआ वीडियो आप लोग को, और क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और ये जो पाइथन की सीरीज़ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर से देखना, और अगर आप लोगों ने देखी है और आप लोग को बहुत अच्छी लगी, और आप लोग को लगता है कि हाँ यार इस तरह के और भी कोर्सेज इस चैनल पर अपलोड होने चाहिए, मुझे सजेशन देना कमेंट में। और यार इस पाइथन की सीरीज़ को शेयर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके बहुत सारे कॉलेज के दोस्त होंगे। मैं आपसे रिटर्न में सिर्फ इतना ही मांगता हूँ कि आप लोग इस सीरीज़ को और इस चैनल के कंटेंट को और लोगों तक पहुंचाएं, और मैं इस तरह कंटेंट बनाता रहूंगा, क्योंकि इस तरह के कंटेंट को बढ़ाने के लिए मुझे आप लोग का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। और आप लोग काइंडली इसको शेयर करो, लाइक करो और शेयर करो। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक्चुअली अपना मोबाइल उठाएं अभी के अभी, व्हाट्सएप खोलें, और जो भी ग्रुप्स हैं आपके व्हाट्सएप में, जैसे कि आपका कोई कॉलेज का ग्रुप है या फिर आपका फेसबुक का ग्रुप है जिसमें आपके प्रोग्रामिंग के दोस्त जुड़े हुए हैं, और वहाँ पर जो है शेयर करें इस पूरी की पूरी पाइथन की सीरीज़ को। सो यार मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को प्रॉब्लम अच्छी लगी होगी, ये सब आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सॉल्यूशन के वीडियो में मिलते हैं, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।